बालाघाट जिले में 2021 में मूकबधिर युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों का राज डीएनए रिपोर्ट से खुला है। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। इसकी शिनाख्ती में पीड़िता मूकबधिर युवती ने आरोपियों को पहचान लिया। इसके बाद परसवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र निवासी दो आरोपियों में 60 वर्षीय बिपत सिंह मेरावी और 52 वर्षीय रोशनलाल ठाकरे को न्यायालय में पेश किया, जबकि नाबालिग आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया। दरअसल 2021 में मूकबधिर युवती के साथ पड़ोसियों ने बारी बारी से सामूहिक रेप किया, जिससे युवती गर्भवती हो गई थी, जिसने जिला अस्पताल में एक लड़की को जन्म दिया था। चूंकि उस दौरान युवती कुछ बता नहीं पा रही थी, जिसके चलते वन स्टॉप सेंटर की महिला कर्मी की ओर से इसकी शिकायत पुलिस में की थी, जिसमें पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम ने युवती के मूकबधिर होने से आर्डियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट और ट्रांसलेटर एक्सपर्ट के माध्यम से न्यायालय के समक्ष पीड़िता के बयान कराए, जिसके बाद पुलिस मूकबधिर युवती से किए गए रेप के आरोपियों को तलाशने में जुट गई, जिसमें पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की। पुलिस की जांच पीड़िता के एक्सपर्ट के माध्यम से लिए गए बयान और बच्ची की डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी बिपत सिंह और रोशनलाल के डीएनए से मैच होने पर उन्हें गिरफ्तार किया। इसी तरह नाबालिग आरोपी के मामले में भी पुलिस ने प्रक्रिया पूरी की। 3 साल पुराने मूकबधिर युवती से सामूहिक रेप के मामले में पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए थे। परसवाड़ा से नरेंद्र पप्पू शरणागत। अवैध बच्चा पैदा होने से जांच की गई है। जांच दौरान डीएनए टेस्ट एवं शिनाख्ती कार्रवाई और धारा 164 कथन के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। धारा ये 376-2 IPC के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो माननीय न्यायालय पेश किया जाता है। कुल 3 मुजरिम में 1 नाबालिग है और 2 बालिग है, और उसमें विवेचना जारी है। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।